नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी भाइयों को। आज मैं फिर से हाजिर हुआ कि नई जानकारी से सपने में शिपकली देखना नेगेटिव संकेत माना जाता है या पॉजिटिव संकेत नहीं माना जाता है। यह आर्थिक तंगी, आपके काम में रुकावट या किसी न किसी प्रकार की ऐसी विपत्ति आपके जीवन में आने वाली है जिसमें आप उलझ कर रह जाओगे, निकलने में आपको खासा जोर लगाना पड़ सकता है। ठीक है, ये संकेत साधना भक्ति में जो लोग चलते हैं, कर्म करते हैं, उन लोगों को दिखाई देते हैं। और सपनों शास्त्र में, स्वप्न शास्त्र में इस चीज़ का जो तोड़ बताया गया है वो भक्ति एवं कर्म ही है। यहाँ पर व्यक्तिगत रूप में देखा जाए तो साइंस की बात अलग है, लेकिन इन सपनों का अर्थ अलग है। किसी व्यक्ति को सपने में छिपकली दिखाई देती है, छत पे हो, दीवार पे हो, बाल पे हो, घर पे हो, कहीं पे भी दिखाई देती है, तो उसको नेगेटिविटी का ही संकेत माना जाता है। कई प्रकार से ये दर्शाता है, कलर भी मायने रखता है। हालांकि छिपकली का किस प्रकार की ब्राउन है या ब्लैक वाली दिखती है, बड़ी दिखती है, छोटी दिखती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसका लिंक आपके दुश्मन के साथ हो सकता है, इसका लिंक आपके ऊपर बोलते हैं कि आर्थिक तंगी एवं विपत्ति का हो सकता है। हो सकता है ये किस कंडीशन में दिखाई देती है, ये तब ही किसी व्यक्ति को दिखाई देती है जब कोई व्यक्ति काम धंधे में जाता है या जिसके काम धंधे में बहुत बार अड़चन आती है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद भी उसको सफलता प्राप्त नहीं होती और सपन में बार बार उसको छिपकली दिखाई देती है। जैसे सपने में दिखाई दे कि अगर वो खाना खा रहा है, खाना खाने वाली सब्जी में अगर छिपकली गिर जाती है तो बिल्कुल ही नेगेटिव संकेत है। ये तो दर्शाएगा कि आप खाने पीने से भी बहुत दुखी हो जाओगे, समय एक ऐसे आ जाना। अगर वो आपके शरीर पे गिरती है तो लेफ्ट एंड राइट साइड गिरती है, तो ये साइड के हिसाब से बोला जाता है कि कहाँ पे शुभ है और कहाँ पे शुभ है। बाकी जितने भी ये संकेत हैं, ये स्वपन शास्त्र इन समय संकेतों की व्याख्या करता है। ये व्याख्या गुरुओं पीरों के द्वारा, ये व्याख्या जो सिद्ध पुरुषों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा करी गई है। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति का स्वपन सेम और हर एक व्यक्ति के स्वपन के आधार पर जो चीज़ बताएगी वो वही प्रॉपर रूप में जो उसके ऊपर कार्य करे, लेकिन फिर भी शिपकली दिखती है, दिखाई देती है, तो सतर्क रहें। हो सके तो किसी कर्मकांडी ब्राह्मण का हो गया या कर्मकांडी गुरु का हो गया जो कर्म कर रहे हैं, उनसे सलाह मशवरा लेकर कुछ उपाय होते हैं वो उपाय कर या आप अपने इष्ट देवता, कुल देवता, कुल देवी, इनके आगे दुआ फरियाद लगा कर कि किसी भी प्रकार की विपत्ति हमारे ऊपर आने वाली या किसी कार्य में रुकावट आने वाली है तो इस रुकावट को दूर करना। जो भी आपका भोग प्रसाद हो वो आप जरूर लगाना, ठीक है ना। क्योंकि छिपकली का दिखने का मतलब सबसे ज्यादा आपके काम के ऊपर बंधन लगने का होता है, यानी काम रुकने का होता है कि किसी न किसी प्रकार की रुकावट। चलती हुई गाड़ी का एकदम से रुक जाना यही सपन दर्शाता है। तो होप सो जिन लोगों का सपन पड़ता है सो समझ के चले आदेश।